मेरे नज़र में अपोजिशन को अपने रवैये पर नज़रसानी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मुनासिब नहीं है। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें अपने गरीब तबकों को उठाना होगा, हमें अपने गरीब तबकों को ताकतवर तबकों के साथ ला के खड़ा करना होगा और ताकतवर तबकों को ये एहसास दिलाना होगा कि उन्हें गरीब तबकों की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें अदा करनी है। वज़ीर आज़म साहब ने एक से ज़ायद बार ये बात कही कि उन्हें जो वो डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनके ऊपर फ़ख्र है। स्पेशली इस कोविड के अंदर कई अम्बेसीज़ ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से दुनिया की इस वक्त ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसकी सबसे बड़ी रिपेट्रिएशन हुई, सबसे बड़ी तादाद में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी अम्बेसीज़ ने बाहर से पाकिस्तान लेकर के आए, जिस तरीके से उनकी मदद की वो भी तारीख का हिस्सा है और उसको हमें अप्रिशिएट किया है, उसको वज़ीर आज़म ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन ऐसे वाक़यात भी हैं जहाँ पर अम्बेसी के एहलकारों ने पत्थर रख कर अम्बेसी के रास्ते बंद कर दिए कि कोई लेबर अम्बेसी के अंदर ना आ सके। क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वो ये इस दफ़ा ये पहली बार हुआ है कि हमारी जो बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात हैं वो हमारी तजारत के कुल हजम से भी ज़्यादा हो गई? तो इन पाकिस्तानियों की कदर करना ज़रूरी है।